नमो नमः ओम 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 नमो नमः ओम
ಆಗಿರಗ ಮೊಮ್ಮತ್ತೆ ಉಪರ ಖುಷಿ ರಾಗ್ತಿ ಅಂತ यही देखे ना थोड़ी मजा आए। जय श्री राम। यदि आपकी इच्छा है कि महाराज जी के पास ले जाए तो ले चलिए। अब जो पुल बेच देंगे मैं सहूंगी सहूंगी। अब सहने के लिए तो घर से निकली ही हूँ। गुरुदेव नारायण मैं जात की फिल्ली हूँ। मेरे पिताजी मेरी शादी करना चाहते थे पर हमारे समाज में ये नियम है कि बच्ची का से शादी करते हैं तो हजारों बकरिया भेड़ को काटते हैं। मैं सोची कि मेरी शादी हो रही है पर शादी के समय पर हजारों जानवरों का वध करना उचित नहीं है, इसलिए मैं शादी को इनकार करते हुए जानवरों की रक्षा करते हुए मैं घर से बाहर भाग आई और जंगला जंगल घूमते घूमते इस पवित्र मंदिर आश्रम को देखकर मेरा मन रम गया कि ऐसा पवित्र सुहावना स्थल इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। मैं इस स्थान को देखकर यही साफ सफाई मेरी श्रद्धा यही हुई कि मैं भगवान का भजन करूं और अपने सा उम्र प्रभु के गुणगान करती रही और जिंदगी जिंदगी गुजार दी। मैं भावनी तुम्हारी भावनाओं को तुम्हें इतना स्नेह रख करके हमारे आश्रम पर अपना विचार रखा है, इसलिए मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि तुम इस आश्रम को चिरंतन से संभाल सकते हो। इसलिए मैं अपने अपने मोक्ष के लिए मैं होता हूँ और ये आश्रम आपके हवाले करता हूँ। इसी आश्रम के माध्यम से तुम्हें नारायण गुरुदेव नारायण मैं आपसे निवेदन करनी चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि भगवान का तो दर्शन होगा तब भगवान किस आकार के होंगे, कैसा रूप होगा, कैसा रंग होगा और क्या धारण किए होंगे। हाँ तो मस्त कहेगा कल भगवान जो बड़े राम होंगे वो सांवले रंग के होंगे, छोटे मध्यम बोले गुरुदेव नारायण आपकी इच्छा है कि मैं इस स्थल की सेवा करूं और भगवान के इंतजार में प्रतिदिन उनके राय के में फूल बसाती रहूं, बिछाती रहूं, तो मैं आपके आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। जैसे कि अन्य महान मुनि महात्मा लोग करते हैं तब मैं श्रद्धा भक्ति भाव से मैं भगवान की सेवा करूंगी। मेरे भाग में यदि आपका आशीर्वाद सच्चे दिल से आप दिए होंगे तो भगवान का दर्शन मुझे अवश्य प्राप्त होगा।
देव नारायण सब लोग सिधार गए और इस आश्रम की पूर्णतः मुझे जिम्मेदारी सौंप के गए हैं और यह भी बता गए कि हे सबरी एक न एक दिन प्रभु इसी रास्ते से अवश्य पधारेंगे इस आश्रम में। आता है तुम प्रत्येक दिन नए फूल उनके आगमन है बिछाए रखना और श्रद्धा भक्ति भाव से इस आश्रम का सेवा करना तो भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। अब मैं उनके आज्ञा का पालन
Yeah.
Thank you.
जब तक मैं